कार्य में आपका विशेष स्वागत है। अब बोले आज उठ की आज हम खड़े हैं कृष्णा नंबर गली नंबर 15 में। यहाँ पे कुछ गली में जल भराव की समस्या है। हमारे साथ हैं यहाँ के पास श्री संजय जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार सर, ये उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सर क्या समस्या है, आप थोड़ा सा अवगत कराइए। देखिए वार्ड नंबर 22 कृष्णा नगर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे दरअसल क्या है कि ना तो पनियाला रोड पे ना रामनगर कहीं की ऊंचाई है, पानी नहीं जा पा रहा। तो हमने अभी बोर्ड में ये तालाब 15 फीट गहराई करके सौंदर्यीकरण के लिए दिया, तो अभी वो बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसमें प्रस्तावित है। उससे पहले हमने क्या है कि 8 वाटर हार्वेस्टिंग के गड्ढे बनवाए जो गली के बीच में बनेंगे। 14 इंची दीवार है, 3 गड्ढे बनेंगे। मैंने कहा जो रोड का पानी है, जैसे बरसात के पानी, उस गड्ढों के माध्यम से 30 फीट बोरिंग होगा तो धरती में चले जाएगा, तो इससे निजात मिले, कहीं ना कहीं इस गड्ढों से काफ़ी निजात मिले। तो इसमें क्या समस्या आ रही है, किस वजह से आज हम इसमें काम करने के लिए आए थे, तो लोगों ने इसका विरोध किया कि हम यहाँ पर नहीं बनने देंगे, हमारा मकान बैठ रहा है। हमने उन्हें समझा कि जैसे आपके घर में लैट्रिन के गड्ढे, ऐसे ये गड्ढे पक्के गड्ढे बनाइए, 14 इंच की दीवार होगी, मजबूत काम होगा। और मैंने कहा ये 2-4-5 महीने या 1 साल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था है, तब ये सीवर या नाले का समाधान हो जाएगा, फिर ये गड्ढे बंद हो जाएंगे। तो इनसे हमने यही प्रार्थना की, निवेदन किया कि आप इस काम को होने दो, और आपके आपके क्षेत्र के लिए, आपकी जल निकासी के लिए ही ये समाधान लाए हम ये गड्ढे। इसी क्रम भाई सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ नाले की है, इस नाले के पानी की निकासी नहीं हो रही है। अच्छा। तो इस वजह से सारी जनता, ये जो 2-3 गली है, बहुत परेशान है पानी के लिए। ये सरकारी कार्य चल रहा है, सरकारी बाधा डाल रहे हैं, जो इन लोगों को कहना है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैं ऋषिपाल सर जी, मेरा मकान ये इसी गली में है, और आप देख रहे हैं पानी कितना भरा हुआ, बच्चे कितने परेशान हैं, जल निकासी का कोई प्रबंध ना होने के कारण। निगम की ये योजना है कि यहाँ पावर वाटर हार्वेस्टिंग का जो है प्लान लगाया जाए, तो उससे ये होगा कि बारिश का जो पानी है कम से कम उसका भराव नहीं होगा। पर कुछ लोग जो हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ये मना कर रहे हैं कि भाई मैं बंद नहीं देने का, वो जिद है एक प्रकार से, जबकि सारे जो क्षेत्र इस गली के जो लोग हैं वो सब लोग भी सहमत है कि बंद जाएगा तो समाधान। कौन है जो सरकारी काम में? ये व्यक्ति जो है बराबर में जो मकान है ये अमित, और इनके द्वारा ही इसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। एक बार पहले भी यहाँ पर ये टीम आई थी बनाने के लिए, इन्होंने कहा कि मैं बनने नहीं देने का किसी कीमत पर। तो ये जो है एक तरह से देखना चाहिए कि भाई पब्लिक का जो हित है इसमें है कि ये अगर बन जाता है प्लान तो जल भराव की समस्या का थोड़ा बहुत निदान, सभी लोगों को निदान मिलेगा अच्छी तरह। सब लोग यही चाहते भी हैं, सारे मोहल्ले के लोग यही चाहते हैं, सबने पत्र भी लिखा है इनको, ठेकेदार को और मेयर साहब को पत्र लिखा है कि कम से कम ये कुछ समय के लिए इसका समाधान हो जाए। पर ये देखो हर धर्म ही है एक व्यक्ति की जो ये विकास कार्य में बाधा पहुँचा रहे हैं, ये सरकारी जो आदेश है उसको भी ये मान नहीं रहे हैं, और किसी तरह भी इन्होंने ये कह दिया कि नहीं बनने दूंगा, तो ये गलत है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ के लोगों को सुना, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, और जो ये हमारे जो पार्षद जी हैं इनका बार बार प्रयास यही है कि यहाँ के लोगों को समझाया जाए जो इसके पक्ष में नहीं है, और इस परेशानी से जल्द कॉलोनी वासी निजात पा सके। नमस्कार, मैं हूँ आपका अनुसरण।